मेरा पंजाब केसरी, मैं हूँ आपके साथ इशिका गुप्ता। बढ़ते हैं पांच बड़ी खबरों की तरफ। तिहाड़ जेल में फिर गैंग वॉर, कुख्यात गैंगस्टर टिल्लू की हत्या। दिल्ली के तिहाड़ जेल में हुए गैंग वॉर में कुख्यात गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी गई है। टिल्लू पर हुए जानलेवा हमले के बाद अब उसे दीनदयाल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया। जी हां, जेल नंबर 8 में बंद योगेश नाम के कैदी ने लोहे की ग्रिल से जेल नंबर 9 में बंद टिल्लू पर हमला किया था। कर्नाटक प्री पोल सर्वे में 105 सीट जीतेगी बीजेपी, 80 से ज्यादा पर कांग्रेस, क्या टूटेगा 48 साल का रिकॉर्ड। कर्नाटक का रण तैयार है, 10 मई को मतदान के बाद 13 मई को ऐलान हो जाएगा कि दक्षिण भारतीय राज्य की गद्दी पर कौन सा दल काबिज होने वाला है। इस बीच चुनाव से पहले किए गए एक सर्वे में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर मिलती दिखाई दे रही है। जी हां, बता दें संभावनाएं जताई जा रही है कि बीजेपी इस बार फिर सैकड़ों पार करने वाली है। 2018 विधानसभा चुनाव की तुलना में कांग्रेस का भी प्रदर्शन सुधरने के इस बार आसार दिखाई दे रहे हैं। केजरीवाल का प्लान था दिल्ली आबकारी नीति, सप्लीमेंट्री चार्ज शीट में ईडी का बड़ा खुलासा, कहा जूम कॉल से हुए बड़े खुलासे। दिल्ली आबकारी नीति के चलते हुए कथित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से कोर्ट में दूसरी सप्लीमेंट्री चार्ज शीट दाखिल कर दी गई है। इस चार्ज शीट में ईडी की कई अहम खुलासे किए हैं। ईडी ने चार्ज शीट में कहा है कि विजय नायर ने अरुण पिल्लई, अभिषेक बोई पल्लई और साथ ही साथ बूची बाबू के साथ जूम कॉल का अरेंज किया था। इसमें कहा गया है कि विजय नायर आम आदमी पार्टी का महत्वपूर्ण सदस्य था और आबकारी नीति का मैसेज कर रहा था। इसी बीच अब केजरीवाल पर भी आबकारी नीति को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल में भारत के लिए सम्मान, मां काली पर ओछी हरकत के लिए यूक्रेन ने मांगी माफी। रूस से चल रहे महायुद्ध के बीच यूक्रेन ने अपनी ओछी हरकत के लिए भारत से माफी मांगी है। जी हां, मां काली की आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट करने को लेकर यूक्रेन के प्रथम उप विदेश मंत्री एमीन ने ट्वीट कर कहा है, उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर अफसोस जताया है और कहा है कि यूक्रेन और उसके लोग भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हैं। उन्होंने भारत के साथ अपनी मित्रता को दृढ़ संकल्पित बताया है। 11 राज्यों में आफत वाली बारिश, उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट, आने वाले दिनों में कैसा रहेगा जानिए मौसम। देश भर में मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। राष्ट्रीय राजधानी समेत ज्यादातर हिस्सों में बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, देश भर में आज यानी 2 मई को 11 राज्यों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश के आसार है। साथ ही साथ दिल्ली, केरल, तमिलनाडु जैसे और साथ ही साथ दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बिहार के कुछ हिस्सों में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ताजा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए punjabkesari.com।